तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है, तो इसलिए क्या कहते हैं, हमारे भाई लोग बोल रहे थे, क्या कहते हैं, भाई बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाले, ब्लॉग नहीं डाले। तो लीजिए, आ गए हम आज एक और नया ब्लॉग लेके। तो कोई मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं था ब्लॉग बनाने, तो मैं सोच रहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ नया, तो इसलिए मैंने सोचा यार ब्लॉग बना लिया जाए अपने भाइयों के लिए। तो चलिए फिर, आ चुके हैं हम एक और नया ब्लॉग लेके अपना, तो आपको दिखाएंगे पूरा दिन। अभी तो 10 बज रहे हैं सुबह के, तो ठीक है, मिलते हैं बाद में। यार आप लोग बिल्कुल भी ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना लाइक देते हो वीडियो पर, ना सब्सक्राइब करते हो चैनल। तो यार चैनल सब्सक्राइब करे करो, जब भी तो मेरे अंदर जुनून आएगा ब्लॉग बनाने का, तभी तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा बढ़िया बढ़िया। अगर चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या मज़ा आएगा ब्लॉग बनाने में, ये बताओ। ना वीडियो पर लाइक करते हो, ना चैनल सब्सक्राइब करते हो। अगर वीडियो देख लेते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देख लो प्लीज़, और लाइक कर देख लो वीडियो को। तो देखो यार, सपोर्ट करो अपने भाई को जितना हो सके, तो ठीक है, बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, ठीक है फिर। यार अभी अभी छत पर आया हूँ, बहुत तगड़ी धूप हो रही है आज तो, बहुत तेज धूप, पर हवा भी चल रही है बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास तेज हवा है। आया था यार पेड़ों में पानी डालने, बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं पेड़। तो ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई आज मैं बना रहा हूँ पास्ता अपने हाथों से। तो देखिए ये बन रहा है पास्ता, ये प्याज और शिमला मिर्च तली जा रही है, यहाँ पे अपना पास्ता उबल चुका है। तो ठीक है, अभी प्याज शिमला मिर्च तली जा रही है, तो इन्हें तलते हैं, फिर उसके बाद देख जो जो होता है मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये इसमें सॉस आ चुकी है चिली, ये टमाटो सॉस आ गई है इसमें, टमाटो सॉस आ गई। अभी और आता है बाकी सामान। ये इसमें लाल मिर्ची डाल दी, अब ये अब नमक डाल दिया इसमें, और इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए स्वाद के लिए सीजनिंग डालेंगे, ये सीजनिंग डाल चुका है। ठीक है, अब इन्हें मिक्स करते हैं, करते हैं अब इन्हें। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा आज पास्ता हमारा, सब लोग पास्ता खाएंगे, और पास्ता मैं बना रहा हूँ। तो इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे ऐसे ही, अब हल्का सा पानी डालेगा, पक रहा है तेज गैस पे। तो भाई अभी हम मिला चुके हैं सब पास्ता वास्ता, इसमें मिला चुके हैं, बस 5 मिनट पकाना होगा, उसके बाद पक जाएगा पूरा। तो ठीक है, इसे मिलाते रहते हैं, पक रहा है और खुशबू भी बढ़िया आ रही है, बहुत ही बढ़िया। तो ये इस पर थोड़ा सीजनिंग छिड़क दिया, और स्वाद के लिए, और स्वाद आ जाए बढ़िया एकदम। तो भाई ये अब बन के रेडी हो चुका है, अब ये खाने को रेडी हो चुका बन के। चलिए फिर, पक चुका है पूरी तरह से, तो चलिए फिर इन्हें बंद कर दे गैस, फिर खाते हैं इसे। तो भाई इसमें डालो मक्खन, पक के रेडी हो चुका। तो यार मक्खन वक्खन डाल गए, एकदम रेडी हो चुका खाने के लिए, एकदम मज़ेदार स्वादिष्ट पास्ता। तो यार चलिए पास्ता खाते हैं, देखते हैं कैसा बना है अपना पास्ता, देखने में तो स्वाद लग रहा है। लगता है जैसा मैंने पास्ता बनाया इस हिसाब से मेरे को पास्ते के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिके। आप भी घर पर ट्राई करना जैसा मैंने बनाया पास्ता अपने लिए। तो चलिए फिर खाते हैं, फिर इसे ख़त्म करके फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई मैंने कुछ चीज़ जमा कर रखी है बहुत सालों से, तो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ मैं। तो देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये कुछ पुराने नोट जमा कर रखे मैंने अपने पास, आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये कुछ सिक्के जमा कर रखे हैं, दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए पुराना नोट है एक का पुराना नोट, और ये 2 रुपए का पुराना नोट है हमारे पास, ये भी 2 रुपए का पुराना नोट है। देखिए शेर छप रहा है इसके पीछे, और इसके पीछे क्या है, सेटेलाइट चांद छप रहा है। ये एक का नोट है,
अगर आप सभी के पास ऐसे नोट हैं तो कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। ये 5 का नोट है, ये अभी भी चलता है। ये देखिए 10 का नोट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है डॉलर हो, डॉलर की तरह। ये देखिए बिल्कुल सिर्फ छप रहा है। ये भी और पुराना नोट है 10 का, ये भी आपने देख रखे हैं पुराने नोट, क्या पता आपके पास भी हों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 50 का नोट, ओ ये रहा 50 का नोट इधर, और ये है 20 का नोट। ये 20 का नोट है अपने पास, और ये 50 का नोट आ गया। ये तो 10 का है, जिसके पीछे मोर छप रहे हैं, शेर घोड़े मोर है। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कि पुरानी रियासत की हूँ। पुरानी रियासत के 50 के नोट के जैसे लग रहा है। ये 100, ये है 100 रुपए का नोट। दोनों की बनावट एक जैसी है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। क्योंकि दोनों की बनावट एक जैसी है, मेरे बारे में तो ज्यादा सही है। तो ये देखिए कुछ नोट ऐसे जमा कर रखे हैं मैंने। ये अभी आपको कॉइंस दिखाता हूँ, कॉइंस भी जमा कर रखे मैंने। ये देखिए, अगर आप जानते हो तो ये बता सकते हैं कहाँ का सिक्का है। ये कहाँ का हो सकता है? सऊदी का सिक्का है। ये देखिए एक कुवैत का, ये सऊदी का सिक्का, आपने देखा हो या नहीं देखा हो आप देख लो। और ये कुवैत, अगर ये कहीं बिकते हो तो कुवैत का यहाँ है, सऊदी ओदी का हो पता नहीं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कहाँ का है। ये कुवैत का है, देखिए समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है इसके पीछे, कौन सा नंबर लिखा है। ये देखिए ये कहाँ का है, ताइवान का है, नेपाल, नेपाल लिख रहा है। नेपाल, नेपाल का कॉइन। ये देखिए ये आना नेपाल है, ये इंडिया का आना, पहले का कॉइन, पुराना कॉइन। सारे कॉइन कलेक्ट कर रखे हैं मैंने पुराने पुराने। अगर कहीं ये देखिए, ये ओल्ड कॉइन है सारे बाहर के, इसमें एक इंडिया का है और बाकी सारे बाहर के हैं। ये देखिए 10 का सिक्का कैसा है, 10 का सिक्का, 5-5 के सिक्के हर वैरायटी के अलग। ये 5 का सिक्का है, अलग अलग तरह का। ये देखिए सारे दादा भाई नवरोजी 5 का कॉइन। ये 1 का सिक्का है, पुराना सिक्का 1 का, अभी तो बहुत। ये देखिए, ये देखिए 54 भी हमारे पास, 54 है ना, ये 25 पैसा अभी है, इन्हें जानते हो तो बताइए। ये देखिए 1 का कॉइन, एक का कॉइन है। ये तो चल रहे हैं अभी भी, भारत का सिक्का है 2003। ये देखिए पुराने जमाने का सिक्का कॉइन, क्वीन छप रही इन पे, विक्टोरिया, विक्टोरिया क्वीन। ये है 1861। देख लीजिए आप, अगर आप लोगों को पसंद आते तो बताएं कितने तक का बिकेगा ये सिक्का। रुको, अगर किसी को ये पता हो तो ये कॉइन कितने तक के बिक सकते हैं
तो बताइए मुझे, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताइए हमें कितने रुपए तक में बिकेंगे ये सारे ओल्ड कॉइन हैं, किसी के पास हैं तो किसी भाई के पास, वो भी बताए कि उनके पास हैं ओल्ड कॉइन। अगर भाई किसी को भी, किसी के पास भी अगर ऐसे कॉइन हो ओल्ड कॉइन वगैरह, तो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। किसी भी भाई के पास हो ये ऐसे कॉइन्स पुराने ज़माने के, तो बताइएगा। और अगर ये भी बताइए इनकी कीमत कितनी हो सकती है, ठीक है, कीमत बताइए इनकी कितने रुपए तक की हो सकती है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं बाद में।